वेको येको वफादार अते समझदार मुख सेवक, जिसनु खुदा ने अपने घर बारे उत्ते मुख्तियार दिती। बाप अते बेटे अते रूपाक दे नाव उत्ते साढ़े प्रभु येसु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूपाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे। अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। प्यारे प्रावत पेनो, आज संत यूसुफ तन कुवारी मरियम दा पवित्र वर दा परब असी मना रहे हैं। अपना डायसिस विच बहुत लोग ये नाम धारण किया, बहुत लोग ये नाम रख लिया, खास करके अपना फादर लोग यूसुफ नाम रख लिया, जोस नाम रख लिया, और जो बैठा हुआ सारे संगत विच भी बहुत लोग ये नाम रख लिए। उसका सारे फरब और मुबारक का वदाई में दिंदाहन। खास करके आज इस पवित्र बंदगी ने उन्होंने दर प्रार्थना करें, खास करके संत यूसुफ सारिया क्या कार्य, खास करके डायसिस, कोई कोई डायसिस नाम रखता सप्रस्ती बनता है, सप्रस्ती और पालक पुनीत और पालक संत, संत यूसुफ बहुत लोग रखता है। इसलिए गिरजानु रख्या और कलेसियानु रख्या करने वाला संत यूसुफ है। इसलिए हम लोग इतना आज ही इस त्यौहार मना रहे हैं, अपना कलेसियन खास करके जलंधर डायसिस नु हर बुराई काम तो बचावे के, सारे सुरक्षित रखे, हर काम तो सुरक्षित रखे, सनु संभाल के अपना कलेसिय काम ज़्यादा तो ज़्यादा और करन लगी असी प्रार्थना करेंगे। खास करके इन सारे फादर अंदर लगी जिसने नाम रख लिया, जोस और जोसफ जो जो आपने बेटा है अपना घर विच पिंड विच पैरिश विच जो ये नाम रख लिया उन्हें सारे दलई आज उसका त्यौहार है। बाइबल में इतना नहीं लिखा सी क्योंकि यूसुफ दा बारी में यूसुफ केवल एक धार्मी बंदा है, धार्मी आदमी है, इसलिए प्रभु उन्होंने सुरक्षित रखा। लेकिन वो वफादार है, संत यूसुफ वफादार बन के और शुरू तो मतलब शुरू से देखभाल करने लगे वे खुदा ने ये संत यूसुफ ने चुन लिया नाल नाल अपना पवित्र परिवार नु मां मरियम नु और खुदा दा बेटा यीशु मसीह ने देखभाल करने सुरक्षित करने लगी संत यूसुफ ने खुदा ने चुन लिया है। फिर संत यूसुफ आपसे सुन सकता है बाइबल विच लिखा गया है केवल एक धार्मी बंदा है, और इसमें कहता भी है इंग्लिश में जो वर्जिन मैन, बट अलग अलग होता है, और ए हम्बल पर्सन, और इसे कलेशिया लगातार संभालन लगी और एक रक्षाकारी बन के पालक पुनीत होता सी। मेरा प्रावत फेण आस खास करके जिस तरह फादर अंदर ऐसी प्रार्थना करेंगे जिसने नाम रख लिया और जो वक्र पारिश में जो नाम रख लिया संत यूसुफ का नाम रख लिया उन्होंने लिए प्रार्थना करेंगे। इस संत यूसुफ दी सिफारस संत यूसुफ प्रार्थना दे राही असी भी अपना जीवन खास करके अपना डायसिस संभाल के रखिए हर बुराए काम तो बचा और आओ इस पवित्र कुर्बानी में असी भाग ले लिए अपने आप न पिछले मास से हूँ तक जो भी गुनाह किया सोच विचार के हम लोग वो शुद्ध करके। इसलिए जबूर विच लिखा गया है 51 में लिखा गया है देखो प्रभु मैं गुनाहगारों नु मेरे गुनाहानु माफ़ करो, खास करके मैनु शुद्ध करो, का मैनु ईसप वांगो मैनु थो दे। जबूर में भी लिखा गया है 5 में 51 उसमें लिखा गया प्रभु मैं जन्म तो गुनाहगार हूँ। सो असी भी कई बार सोचन नाल, कई बार बोलन नाल, कई बार वेकन नाल, कई बार अचानक कोई गुनाह दिल विच आना, इसलिए उस न सारे दलाई इस पवित्र कुर्बानी इस पवित्र त्यौहार न संत यूसुफ का त्यौहार मनाने लई हम लोग अपने आप न तैयार करें ताजो इस पवित्र कुर्बानी न एक युग ढंग नाल मनाने लई हम लोग तैयार हो सकी।
मैं एक बाल करदा हां पूरी कुदरत वाले खुदा अति तुहाडी अग्गे ए प्राउ ते पैणो कि मैं सोचन नाल बोलन नाल करन नाल अति अणगहली नाल बहुत गुनाह कीते अपने दोष दे नाल अपने ही दोष दे नाल अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल इसलिए मैं तन सदा कुआरी मरियम सारिया फरिश्तियां अति संतां अति तुहाडी अग्गे ए प्राउ ते पैणो मैं बेनती कर दी हां कि मेरे लिए प्रभु खुदा दे अग्गे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनहानु माफ करके सानू सदी भी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। Oh,
असी प्रार्थना करिए। ए पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा, तू अपने कलेसिया दी सुरियाद देख रखे दी काम, अपने वफादार सेवक संत योसफ नु सौंप दिता सी, बख्श दे कि उसकी सिफारस राही तेरी कलेसिया लगातार मनुखी नजर दे पेदम दे रा जहर किती जान दी निगरानी कर सके। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे रही जो तेरे नाल रूपाक दी एकता विच एकोदा जीवन दो अतिराज करदा है सदा तो सदा तीक आमीन। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप बेटा अति रूपाक तुहानो आशीष देवे पाठ पढ़न लई आमीन। पाठ पहला दूसरा सैमुएल उसका सात बाप 4-5 12-14 अति 16 आए तक। पर उस रात नाथान नबी कोल प्रभु दा ए संदेश दाऊद ले आया, तू जाके मेरे दास दाऊद नू ए कह, तू मेरे लिए कर नहीं बनावेगा, तेरे मरण अते अपने पुरखियां कोल जान दे पिछों मैं तेरे एक पुत्र नू राज गद्दी दे के उस दे राज नू पक्या करांगा, ओ मेरे लिए भी एक कर बनावेगा अते मैं उस दी राज गद्दी नू हमेशा दे लिए कायम करांगा, मेरे अते उस विच पिता पुत्र दा रिश्ता होवेगा, इस दे लई उस दे गलती करन उत्ते मैं पिता वांग उसनू डंडे नाल ठीक करांगा, सो तेरा वंश अते राज हमेशा तक रहेगा अते तेरी कुल दा कदी अंत नहीं होवेगा। ए प्रभु दी बाणी है, खुदा दा शुकर होवे। जबूर अनुवचन, उस दी संतान हमेशा तक जीवंदी रहेगी। प्रभु दियां मेहरबानियां दे गीत मैं सदा गावांगा, मैं तेरी वफादारी सारियां पीढ़ियां नू अपने मुँहों समझावांगा, तेरी दया सदा तक रहन वाली है, तेरी वफादारी आकाश दे वांग अटल है। अनुवचन, उसकी संतान हमेशा तक जीवंदी रहेगी। मैं अपने चुने हुए दे नाल नेम बनिया है, मैं अपने दास दाऊद नाल सौं खादी, मैं तेरे वंश नू सदा तक कायम रखांगा अते तेरी राज गद्दी नू पीढ़ियों पीढ़ी बनाई रखांगा। अनुवचन, उसकी संतान हमेशा तक जीवंदी रहेगी। ओ मैनू पुकार के आखेगा, तू मेरा पिता है, मेरा खुदा अते मेरी मुक्ति दी चट्टान है, मैं सदा उस दे लई अपनी दया बनाई रखांगा अते मेरा नेम उस दे नाल पक्का रहेगा। अनुवचन, उसकी संतान हमेशा तक जीवंदी रहेगी। पाठ दूसरा रोमिया दे नाम पत्र उसका 4:13-18, 22 वायदा जो खुदा ने अब्राहम अते उसके वंश नाल कीता सी कि ओ संसार दे वारिस होंगे, धर्म विधान दे कारण नहीं सगो ईमान दी धार्मिकता दे कारण कीता गया सी। इसे कारण ही
ए ईमान दे आसरे ते है ताकि वायदा फजल उत्ते टिके अते अब्राहम दे तमाम नसल उत्ते लागू होवे ना केवल ओना लोका उत्ते जो धर्म विधान दे पैरोकार हन सगों ओना सारिया उत्ते भी जो उसदे ईमान दे हिस्सेदार हन क्योंकि ओ साडा सारिया दा बाप है जिमें कि लिखिया होया है मैं तेनू बहुत सारिया कौमां दा बाप बनाया है। अब्राहम उस खुदा दी नज़र विच साडा बाप है जिस उत्ते उसने ईमान रख्या है अते जो मुर्दिया नू जीवांदा है अते जो होंद विच नहीं हन ओना नू होंद विच लियांदा है। आस मुक जान ते भी अब्राहम ने आस रख के ईमान रख्या कि वह बहुत सारिया कौमां दा बाप बनेगा जिमें कि उसनू कहा गया सी इंज ही अनगिनत होवेगी तुहाड़ी संतान इसलिए उसका ईमान उसके लिए धार्मिकता गिनिया गया। ए प्रभु दी बाणी है। खुदा दा शुकर होवे। जयकारा। ए मसीहा तेरी वडियाई अते उस्तत होवे। अनुवचन ए मसीहा तेरी वडियाई अते उस्तत होवे। तेरे कार विच रहन वाले तन हन जो हमेशा तेरी जय जयकार करदे हन। अनुवचन ए मसीहा तेरी वडियाई अते उस्तत होवे। रब तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील संतु मत्ती दे अनुसार तेरी वडियाई होवे है प्रभु। एक बाप 16 आयते और 18 आयते 24 तक यकूब पिता सी योसेफ दा जिसकी पत्नी मां मरियम तो येसु पैदा होया जो मसीह आकौंदा है। येसु मसीह दा जन्म इस तरह पर होया जदो उसकी मां मरियम दी मंगनी येसु नाल होया सी उन्हां दोवों इकट्ठे होण तो पहले ही रूपक तो गर्भवती पाई गई। उसका पिता यूसुफ एक धर्मी आदमी सी अते वो मरियम नू कुले आम बेइज्जत ना नहीं करना चाहुंदा सी इसलिए उसने मरियम नू चुपचाप ते छड़ देन दा फैसला किता। पर जदो अजे वो इंज सोच ही रहसी ता प्रभु दा एक फरिश्ती उसने सपने विच यही कहिंदे होए दिखाउन दिती योसेफ दाऊद दे पोतर मरियम अपनी पत्नी नू अपने घर ले आवना तो ना डर क्योंकि जो बच्चा उसकी कुक विच है वो रूपक तो है। वह एक पुत्र जानेगी अते ता उसका नाम येसु रखना है क्योंकि वो अपने लोकानू वना दे पापा तो मुक्त करेगा। जदो योसेफ निंद तो जागिया तो उसने प्रभु दे फरिश्ते दे आज्ञा अनुसार किया। प्रभु दी पवित्र अंजील तेरी महिमा होवे ए मसीहा। मसीह विच्ची
ਕਪੜਾਓ ਅਤ ਪਹਿਨੋ। ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਰਬ ਇਸ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਮੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਵਤ ਪੈਣੋ, ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸੁਣੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਧਾਰਮੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਧਾਰਮੀ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਧਾਰਮੀ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਖਤਿਆਰ, ਰੱਖਿਆਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਯੂਸਫ ਮਾਂ ਮਰੀਆ ਨੂੰ, ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਸਫ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੇਸੂ ਆਪਣੀ ਗੁਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੇ ਸਮਾਜ ਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭਾਗਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪ ਚਾਪ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਨਾ ਡਰੋ, ਮਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੱਚਾਈ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਦਾ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕ ਸੋਚਦਾ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾ ਡਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਨਾ ਡਰੋ। ਉਹੀ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਲਾਣਾ ਪਲਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ? ਹਮ ਲੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
देखभाल करना। घरवाली नो बच्चा नो जिस तरह पर यो सब तरकानी काम करके लकड़ी कट करके कुर्सी बना के ये बना के ये बना के अपना जीवन गुजारी कर दे सन। उसे वर्गासी अपना इस इतने बैठे हुए सारे लोग जिन्होंने लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं, परिवार में देखभाल कर रहे हैं, बच्चा ने पढ़ने वास्ते, बच्चा दी मेडिकल वास्ते, उन्हें कपड़ा वास्ते, घरवाली वास्ते, सारे जिम्मेदारी। इसलिए यो शब्द नाल एक हम लोग पहले सुनिया है, प्रभु वफादार बंदा नु तुसी ये कलेशिया नु रक्षा कर ले, सुन लिया। वही है संत यूसुफ, आज उसका पर्व मना रहा है। हमारा जीवन में बहुत बहुत बदली ले आना, बदल देना। कई बार तो जो इतने बैठा होए, कई बार तुसी वफादार नहीं होता तुहाडे परिवार दे लई, परिवार नु इस तरह पर चढ़ देता है। बच्चा पढ़ा वास्ते ना वेख सकता है, बच्चा लोग को बहुत बहुत पैसा देना है, पता नहीं की कर रहे हैं। कई लोग ये भी बच्चा गलत राह चलन लगे, हम लोग मदद कर रहे हैं, जो लाविश पैसा दे रहे हैं। यूसुफ तरकानी काम करके बच्चा यीशु मसीह ने संभाल के रख लिया, छोटा मोटा कुर्सी बना के, छोटा मोटा टेबल बनना है उन्हें। ये सो असी सुन सकता है कभी कभी स्टोरी से, बहुत दूसरा अंजिल बिच लिख सकता है, पढ़ सकता है। ये समय से भी यो शब्द नाल काम किता है, सर अपना परिवार चंगी तरफ चलन लगे। मेरे प्राव अतपेणो हम लोग सोचना है, यूसुफ वांग तुहाडे परिवार नु वेखना है, यूसुफ वांग तुहाडे बच्चा नु वेखना है, यूसुफ वांग दुख हो, तकलीफ हो, मुश्किल हो, घरवाले नु वेखना, वफादारी बनना, धार्मी आदमी बनना है, ताजा तुहाडे परिवार प्रभु दा कोल खुशी मना सकिए। ये सारे धरती असी यात्रा करदे हन, एक दिन ये चढ़ के जाना है। ये यात्री विच असी अपना जीवन में बहुत दुख हो गया, मुश्किल हो जाना, मुताबिक बहुत बहुत आएगा, ये तो नॉर्मल है लाइफ। यूसुफ देखो मरिया ने पकड़ के हर जगह बिच चले गया, घर घर कड़काया, कोई नहीं, बोहा कोल देता। फिर तानू पता है, जो बैठा है सारे पता है, कुरली बिच मरिया ने यीशु मसीह ने पैदा देता। इतना जिम्मेवारी उठाया यूसुफ, बहुत दूर से इजिप्ट से लेके गदा बिच मरिया ने बैठ के लेकर के गया, उजाड़ बिच सफर किता सी। इतना बहुत मुश्किल काम है। हुण आजकल तुहाडे घर वाले ने देखन लई, बच्चा ने देखन लई, पालना पोषण करन लई, देखभाल करन लई खुदा ने तुहानू बहुत बहुत बरकत देता है। तुहाडे सेहत लई असी प्रभु को धन्यवाद करना, तुहाडे बच्चा दे लई प्रभु को धन्यवाद करना, बच्चों का पढ़न लिए तुसी धन्यवाद करना है, बच्चों का सेहत वास्ते असी धन्यवाद करना है। एक बार सवेरे उठ के प्रभु आज दिन दे लिए तुहानू धन्यवाद कर दे, प्रभु मेरा परिवार नू, मेरे भैन नू, प्राण डैडी नू, सारिया नू बरकत देने लिए असी एक शब्द, एको एक शब्द इस रोजा समय बिच हम लोग डेली आदत बनना जरूर है मेरे प्रावत भैन। इसलिए डायसिस ज्यादा तो ज्यादा डायसिस लोग ये सब पालक पुनीत और पालनाकार रखों सप्रस्ती रखदाहन पालक सम पुनीत संतन मतलब रक्षाकारी डायसिस दे रक्षाकारी संत यूसुफ। हर परिवार हर खानदान सो यूसुफ नु सिफारस मांगना, यूसुफ साडे लिए दुआ करो, खास करके आदमी लोग
वफादार बन के तुहाडे परिवार दे लई बच्चों दे लई तैयार करन, खास करके इस समय पे इस वेले प्रभु ने इतना सानू मौका दिता सी। असी हर परिवार नी याद करेंगे। आजकल तुहानू पता है बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं, दूर जाते हैं, प्रभु का कहना नहीं मानता है, ना ही माँ ना ही बाप, माँ प्यो का कहना नहीं मानता। कई बार पैसा अपना तुहानू पता है उजाड़ पुत्र पैसा बहुत खर्च करता है, लोग पैसा डैडी भी देगा मम्मी देगा सारे दोनों सहायता करेगा, बच्चा दरिया विच डुबन लाई बाद में वो नहीं उठेगा। कई बार डैडी भी दे सकता है बिना मम्मी परमिशन से, कई बार मम्मी दे सकता है बिना डैडी परमिशन से, ये दोनों अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो मेरे प्रावत पेड़ों जो जिसने आज इस पवित्र बंदगी विच आज इस पर्व विच भाग लेना उन्होंने सारे दल में एक आशा करता है, एक दस देता है, क्योंकि दसना है जरूर है ताड़े बच्चा नू देखभाल करो, बच्चा की करता है की पढ़ता है कितने जा रहे कितों घर आ रहे कब आ रहे, ये सारे माँ प्या दल एक सवाल है। ताड़े बच्चा नू सही रास्ता में लेन लई भावे लड़की भावे लड़की दोनों, क्योंकि अजकल ताड़े बच्चे लोग तुहानू पता है कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहे कोई मेडिसिन पढ़ रहे कोई टीचर ट्रेनिंग है कोई IIT कर रहे ITI कर रहे, ये सारे तुहानू पता है क्योंकि माँ प्या लोग आशा करते हैं अपना बच्चे चंगी तरह सही रस्ते में चल के अपना जीवन आगे बदल, जो मैं बुढ़ा बुढ़ी हो जाएगा मैनू थोड़ा खाना दे सकी इतना है। इसके अलावा कोई नहीं आशा करता नहीं माँ बाप, यदि वो बीमार है तो उसे पूछ सकता है माँ ठीक है माँ तुसी रोटी चक लिया तुसी चाय पिया तुसी और अपना चंगी तरफ दो लोड है सानू दसो, मम्मी की इतना काफ़ी है मम्मी पेट भर जाएगा डैडी पेट भर के देखो मेरा बेटी मेरा बेटा किस तरफ मैनू पालना करता है देखभाल करता है, जिस तरह पसंद यूसुफ ने अपना परिवार को वेख लिया। मेरे प्रावत पिंड यही है हमारा सवाल, इस धरती उत्ते जितना साल जी सकिए उतना साल अपना माँ प्या चंगी तरह देखभाल करना। अज संत यूसुफ दे परब दे राही और एक बार सारिया जिसने संत यूसुफ नाम रख लिया उन्होंने सारे दल में वधाई दिता है, उन्होंने मैं प्रेयर करता हाँ खास करके इस पवित्र कुरबानी बच्चे प्रभु सारिया तंदुरुस्ती देवेगा। बाप बेटा रूपाक के नाम उत्ते आमीन। रसूल दा कलमा मैं खुदा उत्ते मान रखती हाँ जेड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान ते जमीन दा पैदा करने वाला है, मैं यीशु मसीह उत्ते मान रखती हाँ जेड़ा उसदे इकलौता बेटा ते साडा खुदावंद है, और रूपाक दी कुदरत नाल कुआरी मरियम दे गर्भ विच पिया अते उस तो जम्मिया, उसने पैंतुस पिलातुस सहत विच दुख उठाया स्लीब उत्ते चढ़ गया मर गया ते दबिया गया बरजक विच जा उतरिया तीसरे दिहाड़ी मुरदिया विचों जी उठिया आसमान ते चढ़ गया खुदा बाप पूरी कुदरत वाले दे सच्चे हाथ जा बैठा जिथों जिंदिया ते मुरदिया दा इंसाफ करन लई फिर आवेगा। मैं ईमान रखती हाँ रूपाक उत्ते एक पाक कैथोलिक कलीसिया पाक लोकां दी शराकत गुनाह दी माफी जिसम दा जी उठना हमेशा की जिंदगी उत्ते आमीन। प्यारे प्रावत पेनो आओ असी अपना निचल लोड लिए प्रार्थना करेंगे। ए खुदा असी प्रार्थना करते हाँ अपना कलीसिया नेताओं के लिए अपने पोप साहब बिशप फ्रांको बिशप आग्नेलो अपना सारे पुरोहितों के लिए सिस्टरों के लिए मनादी प्रादलय से प्रार्थना करें सारे
तंदुरुस्ती प्रदान करो ताजो ताडे रूपाक दे नाल परके ज्यादा तो ज्यादा तेहडे सेवा कर सकिए। अनुवचन ए प्रभु साडी दुआ सुन। ए मेहरबान खुदा अपनी दया साडी जलंधर डायसिस ते बरसा अते साडे बिशप साहिबान इग्नेलो रूफिनो ग्रीशियस जी अते बिशप फ्रेंको जी उन्हां नूं दनाई प्रदान कर तां जो पंजाब दी कलीसिया दी अगवाई योग ढंग नाल कर सकन। अनुवचन ए प्रभु साडी दुआ सुन। ए मेहरबान खुदा संसार पर दे बिशपा प्रोहिता धार्मिक जीवन बसर करन वाले भैन भरा मुनादा अते सारे परिचारकां नूं पवित्र आत्मा दे वरदान बख्श तां जो ओ अपनी सेवकाई दी नेक उदाहरण सब नूं दे सकन। ओ सरगर्मी अते जोशीले ढंग नाल पाक कलाम नूं दुनिया दे कोने कोने तक फैला सकन। अनुवचन ए प्रभु साडे दुआ सुन। ए प्रभु असी प्रार्थना करदे खास करके आज इस संत यूसुफ दा पर्व नूं मना रहे डायसिस दे लई फादरां दे लई प्रभु जी जिन्हां ने खास करके अपना जलंधर डायसिस विच नाम रख लिए फादर लोग और जोस और नाम रख लिए प्रभु जी यूसुफ नाम रख लिए उन्हें सारे दे लई असी प्रार्थना करें खास करके प्रभु यह आए हुए संगत जिन्हां ने इस पवित्र कुरबान विच भाग लेंदा है प्रभु उस विच बहुत लोग संत यूसुफ का नाम रख लिया प्रभु ना सारे बरकत आशीष देव तंदुरुस्ती प्रदान करो प्रभु जी खास करके अपना पुरोहित दे लई प्रभु जी जो तुहाडे सेवा होर जोर नाल युक्त नाल मनाउण लई उन्हां नूं मंगना करन लई प्रभु उन्हां नूं आशीष प्रदान करो और जो परिवारिक जीवन जी रहे कन प्रभु उन्हां नूं सारे आशीष प्रदान करो। अनुवचन ए प्रभु साडी दुआ सुन। ए प्रभु आजकल नौजवान लोग बहुत लोग प्रभु तुहाडे कलाम के अनुसार नहीं जी सकते प्रभु जो उन्होंने सारे इकट्ठे कर प्रभु खिल रहे हुए प्रभु जी सारे बच्चा लोग तुहाडे हुक्म नूं छड्ड दिता प्रभु जी और पढ़ाई पीछे पीछे चल के प्रभु जी तुहाडे हुक्म नूं छड्ड दिता प्रभु जी कई लोग प्रभु जी पढ़ाई कारण ने प्रभु तुहानूं छड्ड दिता प्रभु जी इन्होंने सारे नूं असीं याद करदे प्रभु जिसने मेडिकल पढ़ता है इंजीनियर पढ़ता है प्रभु जी जिसने प्रभु अपना का पढ़ाई वास्ते बाहर गया सी उन्हां सारिआं नूं प्रभु जी इकट्ठे करो उन्हां नूं तंदुरुस्ती प्रदान केड़ी केड़ी देश विच पढ़ रहे हैं उन्हां सारिआं नूं प्रभु जी संभाल के रखो प्रभु जी हर बुराई काम कमाओ तो उन्हां नूं बचाओ प्रभु जी। अनुवचन ए प्रभु साडी दुआ सुन। ए प्रभु असी प्रार्थना करदे हां अपना मापिआं दे लई प्रभु जी भैन भरावां दे लई प्रभु जी उन्हें तंदुरुस्ती प्रदान करो प्रभु जी खास करके प्रभु जी जिसने सानू सपोर्ट किया तुहाडे सेवा करने लई उन्हें सारे दिन याद कर दे प्रभु जी सानू आख्या प्रभु मेरे लिए दुआ करो मेरे लिए प्रार्थना करो उन्हें सारे प्रभु याद कर दे उन्हें तंदुरुस्ती प्रदान करो प्रभु जी और उन्हें सारे बच्चों जो संतान प्रभु जी बरकत आ अनुवचन ए प्रभु साड़ी दुआ सुन। प्रभु जी हर परिवार समझे तो कुंदम प्रभु हर परिवार विच बहुत दुख तकलीफ है प्रभु जी उन्हें सारे थोड़े शरण में लिखा होंगे प्रभु परिवार में प्रभु जी माँ रोंदा सी डैडी बेटा नु वेख के बहुत रोंदा सी प्रभु दिल विच उन्हें सारे प्रभु जी थोड़े को लेके आवे प्रभु जी उन्हें जीवन चंगी तरफ चलन लई प्रभु आशीष प्रदान कर। अनुवचन ए प्रभु साड़ी दुआ सुन। ओए प्रभु असी खास प्रार्थना करते हैं अपना नीके ना आराधना ग्रुप मैंबर दे लई उन्हें बच्चों के लिए प्रभु जी जो पढ़ते हैं जो बाहर हैं प्रभु उन्हें सारे जो काम करते हैं खेत विच प्रभु जी उन्हें सारे थोड़े सर में समझे तो बच्चों के लिए प्रभु सही रस्ता बनने लई प्रभु जी उन्हें आशीष प्रदान करो बच्चों सही ढंग नाल मदद करने लई प्रभु जी मापियां प्रभु जी तंदुरुस्ती प्रदान काम करके बच्चों देखभाल करने लगे जिस तरह संत यूसुफ ने देखभाल किया सी। अनुवचन ए प्रभु साडी दुआ सुन। प्यारे प्रावत भेनो आवो जो असी प्रभु नु आखिया अपना अरदासन दे लई जो नहीं आखिया उन्हें सारे दे लई
मां मरियम दे सिफारस मांगो। सलामे मरियम, फजल नाल भरी हुई खुदावन तेरे नाल है, तू औरतों विचों उत्पन्न है, नारदा ने खुदा फल यीशु। ऐ हजरत मरियम खुदा दी मां, असा गुनागरा रे दुआ कर, हुन ते साडी मौत दे वेले। आमीन। ਪੇਣੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਵੜਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਰਵ ਸੰਤ ਯੂਸ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਤੋਂ जन्मे तेरे तो उत्पन्न एकलौत बेटे दी सेवा की बख्श दे कि असी तेरे पाक आलतर उत्ते साफ दिल नाल सेवा कर सकिए। साडे प्रभु मसीह दे राही आमीन। रब तुहाडे नाल होवे, अपने दिल प्रभु वल लगाओ, असी अपने दिल प्रभु वल लगांदे हां, असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए। ए सही अते योग है। ए प्रभु पवित्र बा पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा, ये सचमुच सही योग है मुक्ति पावन दा राह है कि असी हर वेला ते अरदा येसु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरे धन्यवाद करिए। आज संत यूसुफ दे त्योहार उत्ते असी तेरी महिमा कर दया। यूसुफ वहदारमी सियाणा अते वफादार सेवक है जिसनों तू अपने पाक खानदान दा
मुखिया नियुक्त किया उसने खुदा दी मां कुवारी मरियम नूं एक पति दा सच्चा ते मुझ प्यार दे के खुशी रखिया। उसने बाप दे प्यार नाल तेरे बेटे दी निगरानी की जिसने रूपाक नाल देहतारी होके कुवारी मरियम तो जन्म लिया। इसलिए खुशी दे इस दिन असी आनंद परे दिलाओ नाल परिस्थिया दे संगीती जकिया नाल रल के तेरी बुढ़ियाई दे गीत गाऊं दे हा ये पुकार दे हा। सचमुच पवित्र है तो यही सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी बड़ियाई करे। तेरे बेटे साढ़े प्रवेश मसीह दे राही अते रूपाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नू जीवन बख्शदा ते पाक करदा है। तू लगातार अपने लई प्रजा इकट्ठी करदा रहिंदा है ता जो चढ़ा दे सूरज ते लेके लहिंदे तक एक शुद्ध कुर्बानी तेरे पवित्र नाम दे लई चढ़ाई जावे। इसलिए प्रभु असी अलमी नाल तेरे आगे मिन्नती करते हाँ कि अपने मेहर नाल वही रूपाक दे राही इन्ना नजरे न्याण पवित्र कर जो असी तेरी पाक हजूरी विच लेके आए हाँ।
ता जो यह तेरे बेटे साढ़े प्रभु यीशु मसीह दा बदन अति लहू बन जावे, जिस दे हुकम असी इन्ना पैदा उन्हों मनाऊं दे हा, जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी लिया थे, तेरा धन्यवाद कर दिया, बरकत देती, रोटी तोड़ी अते अपने चेलिया नूं दित्ती, ये कहिंदे होवे तुसी सारे लवो अते इस विच्चों खाओ, क्यों जो ये मेरा बदन है जड़े तुहाडे लई कुर्बान कीता जावेगा। इसी तरह भोजन करने के बाद उसने प्याला लिया, तेरा धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलिया नू दिता, ए कहिंदे होवे तुसी सारे लवो अते इस विच्चों पियो, क्यों जो ए मेरा लहू दा प्याला है, नवे अते सदीवी नाम दा लहू, जो तुहाडे अते बहुतिया वास्ते गुनाहां दी माफ़ी लई वहाया जाएगा, मेरी याद विच ये करिया करो। ईमानदार पेद ऐ प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जी उठन दी मुनादी करदे हां जब तक तू आवेगा। इसलिए ऐ प्रभु असी तेरे बेटे दे मुक्तिकारी दुख भोग उस दे जलाले जी वटन अते स्वर्ग विच चढ़ जाण दी यादगारी मनाउंदे है अते उस दी दूजी वार आवण दी उड़कदे होवे, तेरा धन्यवाद कर दिया, यही जीवन दे पवित्र कुरबानी तेनू चढ़ाऊं दे हा, असी बेनती कर दे कि तू अपने कलेसिया दे चढ़ावे उत्ते नज़र कर अते इस कुरबानी नूं होवे ले लैण नूं पछाण, उसकी कुरबानी तो राजी हो के तू साड़ा अपने नाल मेल कराया है, बख्श दे कि असी तेरे बेटे दे बदन अते लहू नाल रजाए होए अते वो उस दी रूपाक नाल भरपूर हो के मसीह दे विच एक शरीर अते रूप बन जाइए, ओ सानू तेरे लई एक सदीवी नजराना बनावे ता जो असी तेरी चुनिया होए नाल खास करके तन कुवारी मरियम खुदा दी माँ देव नाल सिख वार दे मुबारक संत यूसुफ दे नाल तन रसुल्ला अते सारे संतां नाल तेजस्वी शहीदी नाल खास करके संत यूसुफ आज इस दे पर्व असी मना रहे हन अते तेरे सारे संतां नाल जिन्हां दे विरस दे वारस बन जाइए, इन्हां वल्लों तेरी हजूर विच लगातार कीती जान वालिया सिफारस दी एक नीव मदद उत्ते असी भरोसा रखते हाँ। ए प्रभु असी यह बेनती करते हैं कि मोड़ मिलाप ही कुर्बानी सब दुनिया दी शांति अते मुक्ति लई आसरदायक होवे, तू कृपा करके इस धरती बुती फैली हुई अपनी आतरी कलेशिया नु याद कर, अपने सेवक साढ़े संत पापा फ्रांसिस नु साढ़े बिशप फ्रांको अते आग्नेल नु कुल दुनिया दा बिशपां पुरोहितां अते सब लोकां नु जिन्ना नु तू अपना बना लिया है, ईमान अते प्यार विच
मजबूत बनाउन दी मेहरबानी कर। कृपा करके इस परिवार दिया प्रार्थनाओं नू कबूल कर, जिसनों तू अपने सामने सदन दी मीर की थी आए। ए दयालु बाप, संसार पर विच खिलरी होए, अपने सारे बच्चों अपने कोल इकट्ठी करन दी कृपा कर। साढ़े मोए होए प्यान प्रवाह नू याद कर, अते वरना सारिया नू जड़े थे इन्हें खुश कर दिया ये संसार विच चलाना कर गए हन, मेहर नाल अपने राज विच दाखल कर। उत्ते असी तेरे वड्डी शान दी खुशी विच सदा निहल रहन दी उम्मीद रखदे हां। साडे प्रभु मसीह दे राही, जिस दे राही तू दुनिया नू हर चंगी दात बख्शदा है, उस दे राही, उस दे नाल ते उस दे विच ए खुदा पूरी कुदरत वाले बाप, रूपाक दी एकता विच सब जलाल ते वड़ियाई तेरी है, सदा तो सदा ती कर। आमीन। आओ सारे कड़ा होके खुदा दा राज आवण लई प्रार्थना करिए। ए साडे बाप जिहड़ा तू आसमान उत्ते है, तेरा नाम पाक मन्या जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे, साडी रोज दी रोटी आज सानू दे, साडी कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नू माफ करदे हां, सानू आजमाइश विच ना पा, सब बुराई तों बचा। ए प्रभु असी प्रार्थना करते हाँ, सब बुराई तो सानू बचा, अपने रहम नाल साढ़े दिन में शांति दे, ता जो तेरी दया की मदद नाल असी हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए, हर मसीह तो सुरक्षित रहिए। जीवे मुबारक उम्मीद रखते होवे असी यीशु मसीह साडा मुक्तिदाता आवण दी वड़ी करते हाँ। क्यों जो राज कुदरत अति जलाल युगो युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीह तू अपने रसूलां नू आख्या में तुहानु शांति दिंदा हा, अपने शांत में तानू प्रदान करदा हा, तू साडे गुणां नू नहीं सगों अपने कलेस दी मान नू वेख अते उसने अपने मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर, तू जो जीवन दा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ। वेखो खुदा दा लेला, इन्हों वेखो जड़ा संसार दे गुना चुक लेंदा है, तन है जड़े लेले दे भोजन लई सद दे गए हन,
ए प्रभु मैं इस योग नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे परी की शब्द आग अति मेरी रूह चंगी हो जावेगी। ਸਬਾਸ਼ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਬਚਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲਤਰ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸੁਕਾਓ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੀ
अते अपने गुंडिया दी सेवा विच ही लगे रहो। आमीन। पाकमा कलीसिया खुशी मनाउंदे है कि उसदे बच्चे स्वर्ग विच दाखल हो गए हैं। तुसी भी वरना सारिया नाल स्वर्ग दी खुशी दे वारस बन जावे। आमीन। पूरी कुदरत वाला खुदा पाप बेटा अते रूपाक तुहानू सदा तुहाडे नाल रहे। आमीन। कुर्बानी चढ़ा गया शांति नाल जावो। खुदा दा शुकर होवे। दुआ याद कर। याद कर ऐ निहायत मेहरबान कुआरी मरियम पर ये कंधे नहीं सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदे आ तेरी मदद चाहते हाँ तेरी सिफारिश मंगते हाँ तेथों खाली गया होवे ऐ कुआरी कुआरियां दी अते मेरी माँ इस तसली नाल मैं तेरे को नसी आनी हाँ अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदी हाँ ऐ दे तारी हुई कलाम दी माँ तू मेरी अर्जा नू हकीर ना जान सगो मेहरबानी ना सुन अते कबूल कर। आमीन। शांति दे महारानी साडे लई दुआ कर। संत यूसुफ साडे लई दुआ कर। संत फ्रांसिस साडे लई दुआ कर। संत माइकल साडे लई दुआ कर। संत वियानी साडे लई दुआ कर। कुर्बानी चढ़ा के शांति नाल जावो। खुदा दा शुक्र होवे। पालन हारा है तू मां मरियम का सहारा है।